11 अक्टूबर 2007 मोहिनी बहन के द्वारा वतन का दिव्य संदेश। सत गुरुवार एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माओं के प्रति प्यारे बाप दादा का संदेश। आज आप सबका विशेष याद प्यार लेकर जब वतन में पहुंची तो वतन का नजारा बहुत खुशनुमा था। आज वतन में इतनी रौनक थी जो बाबा ने अपने सभी एडवांस पार्टी में जाने वाले बच्चों को वतन में बुलाया। और सभी वतन में एक दूसरे से बहुत प्यार से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो जैसे मैं पहुंची तो देखा कि बाबा अपने थोड़े से बच्चों के साथ कुछ रूढ़िहान कर रहे थे। बुलाया वतन में कितने, कौन से बच्चों को? सभी बच्चों को बुलाया, लेकिन रूढ़िहान थोड़े से एडवांस के बच्चों के साथ कर रहे थे। मुझे देख करके कहा कि मधुबन से संदेशी आ गई है। क्यों? कोई ने न देख पाया हो और वतन की रूढ़िहान चलती रहे, इसलिए इशारा दे दिया। मधुबन से संदेशी आ गई है तो मैं भी जाकर के उनके बीच में पहुंच गई और सबसे बड़े प्यार से दृष्टि से मिलती रही। तो बाबा बोले कि बच्ची देखो, जो भी आत्माएं अब तक गई हैं उन सबको आज वतन में बाबा ने निमंत्रण दिया है। तो आज सभी आत्माएं वतन में आई हुई हैं, तो आप इतना भोग सब के लिए लेकर के आई हो? मैंने कहा बाबा बहुत लेकर के आई हूँ, जितनी भी आत्माएं हो उन सबको ये ब्रह्मा भोजन प्यार से मिलेगा। फिर मैंने पूछा बाबा आज आप सब यहाँ बैठ करके क्या बातें कर रहे थे? तो बाबा मुस्कराए और कहा कि अपनी सखियों से पूछो। तो मैं सबकी ओर देखने लगी कि कौन सुनाएगा, लेकिन सब मुस्कराती रही। तो मैंने कहा कि ऐसी बात थी क्या जो कोई सुना ही नहीं रहा है, आप ही सुनाइए। तो दादी कहती है देखो अभी हम सब प्लान बना रहे थे और बाबा हम सबको इशारा दे रहा था कि किसने क्या क्या करना है। तो हमारी एडवांस पार्टी एकदम तैयार बैठी है कि बाबा इशारा दे और हम अपना काम शुरू करें। तो मैंने पूछा आप लोग हो कहाँ? हाँ हो, ये पूछने की क्या बात है, वतन में ही तो होंगे, ये क्यों पूछा कि हो कहाँ? इसका मतलब ससोपंज है न, कोई एड्रेस होगा। आप लोग हो कहाँ, अपना कुछ एड्रेस तो बताओ। अने मोहिनी के दिमाग में भी है कि सूक्ष्म वतन में तो कोई एड्रेस होता नहीं है, जरूर एडवांस पार्टी साकार वतन में है और वहाँ इनका कोई एड्रेस भी है।
तो पता तो बताओ कि कहाँ कहाँ हो और क्या क्या कर रहे हो। हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बाबा से पूछो, हम नहीं बताएंगे। हमने बाबा की तरफ देखा कि अब तो आप बताओ, क्योंकि बार बार आप बताते हो कि समय समीप है। तो बाबा बोले अभी ठहरो। मैंने कहा बाबा अभी कितना समय ठहरना है? तो बाबा ने कहा कि जब बाबा को बताना होगा आप ही इशारा कर देगा। मैंने कहा बाबा बाकी भी कितना समय है वो तो बता दो, 2 साल है, 4 साल है, 1 साल है, क्या है? तो बाबा ने कहा मान लो मैंने बता भी दिया कि 2 साल है, 3 साल है, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा क्या करेंगी, पुरुषार्थ और तेज करेंगी। तो बाबा ने कहा समय बताएंगे तो पुरुषार्थ तेज करेंगी। तो आप समय पर खड़ी हुई हो, लेकिन समय से पहले अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसलिए आप लोगों को अभी से पुरुषार्थ करना है, हर बात के लिए अगर रेडी रहना है। तो बाबा पूछता है कि आप सब एवर रेडी हो? तो मैंने कहा बाबा ड्रामा प्लान अनुसार तो एवर रेडी है, लेकिन आपके प्लान अनुसार वह तो आप जानो, हमको तो पता नहीं। तो बाबा ने कहा कि युक्ति से तुम जवाब दे रही हो। मैंने कहा बाबा जैसे आपने सिखाया ऐसे ही करेंगे। तो बाबा ने कहा देखो अभी बाबा कुछ न कुछ शुरू करने वाला है। ये देखो मेरे महारथी बच्चे कितने बैठे हुए हैं, और इनमें सब प्रकार के बच्चे हैं। किनमें? एडवांस पार्टी के जो बच्चे वतन में बैठे हुए दिखाए, उनके लिए बोला ये महारथी बच्चे बैठे हुए हैं और इसमें सब प्रकार के बच्चे हैं। सब प्रकार के माने सभी धर्म पर। हाँ, हर धर्म की आत्माएं हैं। जब बाबा शुरू करेगा तो आप सबको ये अनुभव भी होगा, टचिंग भी होगी और दिखाई भी देगा, और आप सब कहेंगे कि शुरू हो गया, शुरू हो गया, सबके मुख से निकलेगा। फिर बाबा 10-12 मुख्य भाई बहनों को लेकर के अपने साथ आगे चले। तो क्या देखा, जैसे सेक्शन बनाए हुए होते हैं उस तरह से सेक्शन बनाए हुए थे। माला बनाते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग ढेरियां तैयार करके रख देते हैं, फिर एक एक ढेरी में से पिरोना शुरू करते हैं। तो अलग अलग सेक्शन बनाए हुए थे और उसमें सब भाई बहने थे। तो बाबा लास्ट सेक्शन में लेकर के गया, वहां पर जो भी बैठे हुए थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पश्चाताप की स्थिति में बैठा है। लास्ट सेक्शन कौन सा होगा? आर्य समाज का। आर्य समाज के सेक्शन में लास्ट सेक्शन में लेके गया और उनको देखा कि जैसे कि वो सब पश्चाताप कर रहे थे। क्यों? इस बात का पश्चाताप? जानते हुए भी नहीं। हद की दुनिया में, आज हद की दुनिया में सत्ता कौन से धर्म के हाथ में है? इंडिया में।
आर्य समाजियों के हाथ में है। जो धर्म निरपेक्ष है, कोई धर्म की उनको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आर्य समाजी आत्माएं ही ऐसी आत्माएं जो हर धर्म से धक्का खाती हुई आई और हर धर्म को छोड़ती हुई आई, तो उन्हें किसी धर्म के ऊपर आस्था नहीं है। और लास्ट में आकर के उनको गवर्नमेंट में राजाई की गद्दी मिल जाती है। तो जिसको राजाई की गद्दी मिलती है उसके लिए कहावत है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। जिसको कुर्सी मिल जाती है बहुत अहंकार चढ़ जाता है। जैसे आज की गवर्नमेंट समझती है हम ही राम राज्य लाएंगे, हम ही स्वर्ग बनाएंगे, प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग बनाते चले जाते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो ग्रुप आर्य समाजियों का बेसिक में हो या एडवांस में हो, दोनों ही प्रकार के ग्रुप, बताया कि जिस लास्ट सेक्शन में लेकर के गया वहां पर जो भी बैठे हुए थे, जैसे कि कोई पश्चाताप की स्थिति में बैठे, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कैसे? बेसिक में ये बात कैसे लागू हुई? जगदीश भाई भी तो ऐसे गए हैं। जगदीश भाई ने भी जब संदेश दिया तो बताया कि हमने ये पक्का किया हुआ था कि हम बाप को प्रत्यक्ष करके छोड़ेंगे, लेकिन बाद में पता चला जब शरीर छोड़ दिया कि अरे हम तो मुगालते में रह गए। प्रत्यक्ष तो तब करेंगे जब बाप को पहचाना हो। मारे अहंकार के सारे उल्टे क्लेरिफिकेशन दे दिए, उल्टी ही बातें बुद्धि में बैठ गई। न बाप को खुद पहचाना, न दूसरों को पहचानने दिया। स्थूल शरीर के बंधन से जब अलग हुए तो सूक्ष्म शरीर तो ज्यादा गहराई से जान सकता है, उन्हें असलियत का पता लग गया कि हमने क्यों नहीं बाप को प्रत्यक्ष कर पाया। आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो हम सबको देखते भी थे फिर आंखें नीची कर लेते थे। लगातार दृष्टि ले नहीं पाते थे, ऐसे लग रहा था कि उनको बार बार कुछ याद आता था। तो बाबा ने कहा, देखो हैं ये मेरे बच्चे, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा से कुछ न कुछ छिपाया है। तो वो आंख मिलाए नहीं सकते हैं, दृष्टि ले नहीं सकते हैं। एक तो झूठ बोला है। क्या? एडवांस पार्टी के जो भी क्लेरिफिकेशन निकलते हैं, वो राम सेतु तो बना हुआ है प्रैक्टिकल में, वो सारी बातें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती रहती हैं, और उन सारी बातों का झूठ झूठ काट करके ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो बोला, एक तो झूठ बोला, एक झूठ बोलता आदमी उसके ऊपर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और दूसरा छिपाया है। क्या? झूठ बोला
और दूसरा छिपाया है। क्या छिपाया है? सत्य को, सत्य को अंदर से आता था, समझ में भी आता था, लेकिन बात को दबा देते थे। छिपाया है तो अभी उनको ये अनुभव होता है। कि मैंने ये बहुत बड़ी भूल की है। क्या? मैंने शब्द क्यों बोला? हमने क्यों नहीं कहा? अब कोई मुखिया तो एक है ना, वो उसकी तरफ इशारा किया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ग्यारह दस सात के संदेश का दूसरा पेज। लेकिन बाबा फिर भी जैसे उनको रहम की दृष्टि दे रहे थे, उस साइड का वातावरण बहुत भारी बोझ लग रहा था। अभी एडवांस पार्टी की आत्माओं के लिए बताया, जो भी शरीर छोड़ छोड़ करके गए हुए हैं, उनके सबके अलग अलग ग्रुप हैं, सब अपने अपने सेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे कुमार का दादी ने अभी शरीर छोड़ा, तो उनको बाप दादा ने अपने साथ कितने दिन रखा? 12-13 दिन, इससे ज्यादा नहीं रखा। बता दिया इनको अपने सर्विस फील्ड में जाना है, तो उनका अपना सेक्शन। लेकिन अभी तो लास्ट सेक्शन की बात हो रही थी, जहां का वातावरण बहुत बार ही बोझ लग रहा था। फिर बाबा वहां से चले दूसरे ग्रुप के पास आए, तो दूसरा ग्रुप दृष्टि तो ले रहा था लेकिन खुशी नहीं थी। चेहरे पर जैसे उदासी थी, जैसे बाबा को देख रहे थे लेकिन उनमें भी थोड़ा पश्चाताप था, खुशी नहीं थी। तो बाबा ने कहा कि यह मेरे अलबेले बच्चे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसे सोच करके अपने को भी चलाते रहते हैं और बाबा को भी चलाते रहते हैं। हाँ बाबा, हो जाएगा, कर लेंगे, समय पर सब कुछ हो जाएगा। तो अलबेलेपन में ये लोग चले और अचानक कर्मों के हिसाब किताब से पुराना शरीर छोड़ना पड़ा। जो प्राप्त करना चाहिए वो अलबेलेपन के कारण प्राप्त नहीं कर सके। क्या प्राप्त करना चाहिए? नरसिंह नारायण बनना। नहीं, नरसिंह नारायण बनना ये तो लक्ष्य बेसिक में पहले से ही था, वो बात नहीं। हाँ, जो प्राप्त करना चाहिए माने जो एडवांस नॉलेज लेना चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए, वो अलबेलेपन के कारण प्राप्त नहीं किया, अपने ही मान शान के नशे में धुत रहे। तो इसलिए इनको भी अप्राप्ति का अनुभव हो रहा है कि हमने बहुत चलाया है बाबा को, अपने आप को भी चलाया है कि कर लेंगे। तो चलाया है इसलिए अब ये चिल्लाए रहे हैं, क्या करें बाबा, हमसे ऐसा हो गया, अब आप ही कुछ रास्ता बताओ बाबा। जैसे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हैं तो ये मेरे सारे ही बच्चे, लेकिन अभी जैसे जैसे
ऐसे वातावरण में आए हैं तो साक्षी होकर हरेक अपनी तकदीर भी देख रहे हैं। क्या पहले बेसिक में थे तो अपना अलग मजमा बनाया हुआ था, तब कुछ और समझते थे, अभी शरीर छोड़ने के बाद जैसे ऐसे वातावरण में आए हैं तो साक्षी होकर के अपनी तकदीर भी देख रहे हैं और अपना पुरुषार्थ भी देख रहे हैं और अभी अनुभव भी कर रहे हैं कि हमने आपको चलाया है क्या, क्या करना था और क्या करते रहे, बाप को भी चलाया, जिज्ञासुओं को भी चलाया, बड़े बड़े धतंगबाजी के प्रोग्राम कर करके अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इनको भी बहुत पश्चाताप है। फिर बाबा तीसरे ग्रुप के पास आए, और कहा इन्हें देखो, ये हैं मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब के कारण इन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, लेकिन फिर भी जितना भी पुरुषार्थ किया है उस प्राप्ति की खुशी में फिर भी खुश हैं, माने बहुत खुश नहीं है। फिर बाबा आया महारथियों के झुंड के अंदर, तो जैसे सब कहने लगे कि क्या देखा, कहां से होकर के आए हो, कैसे होकर के आए हो, तो बाबा ने उन सबको देखा और कहा कि ये मेरे मुरब्बी बच्चे हैं जिन्होंने अपने अटूट निश्चय ज्ञान और योग के बल से अपना पाठ बजाया है और ये नई दुनिया का फाउंडेशन बन करके उस नई दुनिया की नींव डाल रहे हैं। अभी नई दुनिया नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नई दुनिया का फाउंडेशन डाल रहे हैं। नई दुनिया का फाउंडेशन, फाउंडेशन कोई भी होता है, अंडरग्राउंड डाला जाता है या ऊपर देखने में आता है, तो फाउंडेशन डाल रहे हैं नई दुनिया का। ये मेरे एडवांस पार्टी के फाउंडेशन के बच्चे हैं, फाउंडेशन आदि में होता है या मध्य में या अंत में है, आदि में होता है, आदि में भी रहा होगा फाउंडेशन, आदि वाला आदि में भी रहा होगा। तो बोला ऐसे बच्चों को बाबा भविष्य के लिए डायरेक्शन देते हैं, इनको सब कुछ दिखाता भी है, भविष्य के लिए डायरेक्शन भी देता है और सब कुछ इनको सिखाता भी है, बताता भी है, और इनसे जो कार्य कराना होता है वो कराता भी है। सबसे नहीं कराता, सबको नहीं सिखाता, सबको डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं देता, लेकिन इन मुरब्बी बच्चों को डायरेक्ट डायरेक्शन देता है। तो बाबा ने कहा कि हे मेरे बच्चे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ये राजधानी बन रही है, तो राजधानी के जो होवनहार बच्चे हैं उनका मैंने आपको आज दर्शन कराया, ये सीन दिखाया, और अभी भी बाबा कहता है कि अभी भी मेरे बहुत से बच्चे हैं
जिनको इतना निश्चय नहीं है कि बाबा जो है और जैसा है वैसा ही समझकर बाबा के पास चलें। बाबा के पास चलें? कहां सूक्ष्म वचन में चलें? जो है माना है प्रैक्टिकल में और जैसा है वैसे ही समझ कर बाबा के पास चले। अभी भी ऐसा नहीं है, बाबा को धोखा देते रहते हैं, निश्चय ही नहीं है इतना। क्या कितना निश्चय कि बाबा साकार में इस सृष्टि पर मौजूद है? अभी भी मेरे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना निश्चय नहीं है कि बाबा जो है जैसा है वैसा समझ करके बाबा के पास चलें। बाबा वहाँ ब्रह्मा बाबा से बात होती है? फिर वहाँ कहाँ होती है? सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म वतन में, जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता है ऐसे वो साक्षात्कार में देखती है। वहाँ ब्रह्मा बाबा आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न कहाँ देखते हैं? सूक्ष्म शरीर से देखते हैं। चित्र तो ब्रह्मा बाबा के देखते होंगे। है चित्र तो ब्रह्मा बाबा के देखते होंगे। संदेश जिनको जहाँ जैसी श्रद्धा है वो देखता है। ये तो वतन का संदेश है। संदेश में जाने वाले भक्ति मार्ग के पुट वाले होते हैं, जो साक्षात्कार में जाते हैं या ज्ञान मार्ग के बच्चे हैं वो भक्ति मार्ग के बच्चे हैं। साक्षात्कार को सच्चा तो नहीं माने जाते हैं? साक्षात्कार को सच्चा तो नहीं माने जाते? सच्चा नहीं माना जाता है, लेकिन यज्ञ के आदि में जो फाउंडेशन पड़ा वो किस आधार पर पड़ा? उसको काटा तो नहीं जा सकता। वैसे भी बोला है कि जो नौधा भक्ति करने वाले भक्त होते हैं उनको साक्षात्कार होता है, सबको नहीं होता है। तो अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना निश्चय नहीं है कि चलें बाबा के पास। समझो अपने को धोखा देते हैं, बाबा को धोखा नहीं देते हैं। ऐसे समय जबकि हिम्मत का पुरुषार्थ का एक कदम तो 100 कदम प्राप्ति के हैं, ऐसा टाइम चल रहा है। ऐसे एक कर्म को भूल का हुआ तो 100 गुना दंड के भागी बन जाते हैं। तो ये जो समय चल रहा है ये बहुत नाजुक समय चल रहा है। इसमें हरेक बच्चे को अपने मन वाणी कर्म पर पूरा ध्यान देना है। इसलिए बाबा विशेष इशारा बच्चों को कर रहा है। फिर बाबा के पास दादी और मम्मा बैठे थे। और बाकी सामने थे है? कौन कौन बैठे थे? दादी और मम्मा तो बाजू में बैठे थे और बाकी सब सामने थे। दादी और मम्मा को साथ साथ क्यों ले लिया? पीछे भी संदेश में बताया प्रकृति और कि प्रकृति ने माया के साथ अर्थात दादी के साथ हाथ मिला लिया है, नहीं तो प्रकृति अपना काम करती है और माया अपना काम करती है। रावण के कितने सिर? 10 सिर। 5 माया के सिर और 5 प्रकृति के सिर।
दोनों का अपना अपना स्वरूप है बहुरूपिया, लेकिन अभी तक क्या था, अपना अपना काम अलग अलग कर रहे थे। माया का काम विशेष क्या था, बाप को गर्मी, जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ, तो 100% श्रीमत पर तो कोई नहीं चलता। और प्रकृति भी अभी तामसी रूप धारण करती जा रही है या सात्विक रूप है, तामसी रूप धारण करती जा रही है। बेमौसम बरसात होती है, सर्दी के दिनों में गर्मी और गर्मी के दिनों में सर्दी होती है, वो भी पुरजोर से अपोजिशन करने में लगी हुई है, लेकिन बाबा के बच्चों का दोनों ही कुछ खास बिगाड़ नहीं कर पाए। एक नियम होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, माया भी अंधकार फैलाना चाहती है और सूर्य को छुपाना चाहती है। बच्चों से सूर्य को छुपाना चाहती है, उनका क्या कहना है, अंधकार कायम रहे। और प्रकृति भी बाबा के बच्चों पर भी वार कर रही है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे वो तो प्रकृति पति की स्टेज पर बैठेंगे या प्रकृति के अधीन हो जाएंगे। जो ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे होंगे वो तो झुकने वाले न माया से झुकेंगे और न प्रकृति से झुकेंगे। तो माया और प्रकृति दोनों के ही अपोजिशन में बैठे हुए, तो माया ने प्रकृति ने हाथ मिला लिया कि दोनों मिलकर के काम करें, तो एक और के एक मिलकर के कितने हो जाते, 11 हो जाते। तो दादी बाबा को कहती है कि बाबा अभी आप जल्दी जल्दी करो ना, क्या अभी तक नहीं कहती थी, अभी तक क्या कहते थी दादी दादियां, कि और थोड़ा समय बढ़ा दो, और थोड़ा समय चाहिए, अभी जल्दी जल्दी करो ना, जिसमें जो कमी रह गई है आप उसको सकाश दे करके पूरा कर दो। तो दादी जैसे अथॉरिटी से प्यार से कह रही है, तो बाबा दादी को भी देखता है और मम्मा को भी देखता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अगर तुम बाबा की जगह हो तो क्या करोगी, तो कहा बाबा सबको मैं अपने साथ ले जाऊं, क्या करूंगी मैं सबको अपने साथ ले आऊं। तो बोला कि सबका पुरुषार्थ आप कर लोगी क्या, क्यों, क्योंकि असली पुरुषार्थ जो है वो आत्मा साकार शरीर रहते कर पाती है या शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से कर पाती है। साकार शरीर है तब ही सच्चा पुरुषार्थ होता है। तो पूछा बाबा ने पूछा
कि सब का पुरुषार्थ आप कर लोगी क्या? अगर सबको अपने साथ ले जाओगी तो दादी बोली बाबा आप पुरुषार्थ करा रहे हो ना, तो सबको लेकर के आऊंगी और कहूंगी कि चलो चलो जैसे बाबा कह रहा है वैसे करो। है इसका मतलब अभी तक अपना हुद्दा जमाया हुआ था, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो। अब बुद्धि में बैठ रहा है कि जैसे बाबा कह रहा है वैसे करो। तो बाबा ने कहा सब बच्ची तेरे जैसे नहीं है, तेरे अंदर एक लगन थी, लक्ष्य था कि कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। उस लगन ने तुमको ऐसा बनाई दिया, ऐसा बनाई दिया, ऐसा बनाई दिया, ऐसा बनाई दिया। ऐसा माने कैसा? अरे दादी जब जीवित थी तो क्या चाहती थी? ब्रह्मा बाबा से मान लेने। हाँ, कि जैसी ब्रह्मा बाबा की गति हुई मेरी भी गति हो जाए। ऐसे जगदीश भाई बोलते। हाँ जी जगदीश। तो उस लगन ने तुमको ऐसा बनाई दिया, अपने आपने खुद भी अनुभव किया और दूसरों को भी अनुभव कराया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे खुद भी अनुभव करें और उनकी स्थिति से दूसरे भी अनुभव करें और अनुभव कराना सीखें। तो दादी तो ऐसे उठी जैसे वतन दादी का घर हो और कहा बाबा चलो अभी हम लोग कहीं चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि हाँ मेरे विदेशी बच्चे वेट कर रहे हैं। कहाँ चलेंगे? मेरे विदेशी बच्चे वेट कर रहे हैं। क्यों विदेशी बच्चे क्यों वेट कर रहे हैं? स्वदेशी नहीं कर रहे हैं? बाबा का ज्यादा झुकाव, ज्यादा रुझान विदेशी बच्चों की तरफ क्यों? हाँ, लेकिन विदेशी बच्चों की तरफ इतना झुकाव क्यों है? उनका याद आ रहा है कि वो मेरी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा चला साथ में, दादी भी चली। कहाँ? विदेशी बच्चों की ओर। मम्मा और मैं चली। तो विदेशी बच्चे हाफ चंद्रमा के आकार में बैठे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये मेरे डबल विदेशी बच्चे हैं, जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़, कोई कोई बच्चा एडवांस पार्टी में है, और कोई बच्चा निश्चय बुद्धि नहीं है, लेकिन बच्चा बना तो भी बाबा ने सबको वतन में बिलाया हुआ है, बल निश्चय बुद्धि नहीं है। तो बाबा ने सबको बहुत प्यार से दृष्टि दी और जैसे वह सब महसूस कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई मुस्कराए रहा था, कोई की आंखों में आंसू भरा हुआ था, कोई बाबा बाबा कह रहा था, माई बाबा, स्वीट बाबा, जिस तरह सब याद कर रहे थे ऐसे ही बाबा की सकाश किरणों के रूप में सबको अनुभूति हो रही थी, सकाश किरणों के रूप में पहुंच रही थी। तो बाबा ने कहा इन बच्चों की एक विशेषता है
कीने जब निश्चय हो जाता है तो ये पुरुषार्थ में लग जाते हैं। और इनकी विशेषता है ये बाबा से छिपाते नहीं है। कौन? डबल विदेशी बच्चे। जैसे भारतवासियों में कोई कोई बताता है, वैसे इनमें कोई कोई छिपाता है। बाकी सब स्पष्ट साफ बताने वाले बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई कोई बच्चे निश्चय के आधार पर अपना तन मन धन समय सब बाबा को समर्पित कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो ये मेरे विशेष विशेषता वाले बच्चे हैं जिनको बाबा बहुत प्यार से दृष्टि देते, नजर से निहाल करते, सबको वरदान देते। फिर सबके लिए वहां पर ही ब्रह्मा भोजन इमर्ज किया गया। तो दादी ने कहा बाबा इन सबको मैं खिलाऊं? तो बाबा ने कहा हम दोनों मिलकर के खिलाएंगे। तो कोई कोई चीज बाबा उनको खिलाता था, कोई कोई चीज दादी उनको खिलाती थी। कोई स्थूल शरीर छूटते हैं और उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। तो जो पहले की रग भरी हुई होती है वो ही देखने में आती है। पहले साकार में भी ये रग थी, अच्छा अच्छा खाने और खिलाने की वो ही रग। बताइए, कोई कोई चीज बाबा खिलाते थे और कोई कोई चीज दादी खिलाती थी। बाबा बहुत प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरते थे तो सब बहुत खुश होते थे, संतुष्टता का अनुभव करते थे। ऐसे बाबा सबको खुश करके इधर आया तो इधर बहुत बड़ी पार्टी लगी हुई थी। बाबा साक्षी होकर के खड़ा था और सबको दृष्टि दे रहा था। सभी प्यार से एक दो को ब्रह्मा भोजन खिला रहे थे। दादी तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे कि मेरे माँ के घर से भोजन आया हो। सबको कह रही थी कि खाओ खाओ, ये मधुबन से आया है। सबको बहुत खुशी से खिला रही थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची को अब तक नशा है कि मेरे मधुबन से आया है और माँ के घर से मेरे घर से आया है, सबके लिए आया है। बाबा ने कहा बच्ची को तो फ्रीडम है ना कि जहाँ चाहे जब चाहे जावे और जब चाहे, तो वतन भी इसका घर है और मधुबन भी इसका घर है और जहाँ चाहे वहाँ जाए। तो बाबा ने इसको उड़ता पंछी फ्री बर्ड रखा है। बाबा ने कहा कि ये जहाँ जाएगी सबको संतुष्ट करेगी, सकाश भी देगी और सहयोग भी देगी, स्नेह भी देगी। लेकिन जाएगी कहाँ? हर एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा उसका अपना अपना ग्रुप होता है, वहीं जाएगी या सब में जाएगी? जहाँ जाएगी सबको संतुष्ट करेगी, सकाश देगी, सहयोग देगी, स्नेह भी देगी। फिर सभी को बाबा ने, सभी दादियों ने बहुत बहुत याद प्यार दिया और कहा कि आज का ब्रह्मा भोजन जो आप सब लोगों ने भेजा है हम लोग बहुत खुश हो करके गए। हमने कहा खुश तो हो गए लेकिन हमको तो ये बताओ कि बाबा ने आपको कहाँ भेजा है? वही बात फिर आ गई। जैसे पहले मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो संदेशियों के द्वारा क्या संदेश में आया कि मम्मा बाबा ने कहाँ जन्म लिया है? नेपाल में जन्म लिया है। कौन से घराने में? राजाओं महाराजाओं के घराने में जन्म लिया है।
तो उन्होंने कौन सा जन्म समझ लिया था? स्थूल जन्म। स्थूल जन्म समझ लिया। ऐसे ही अभी भी संदेश आया कुमार का दादी के बारे में, तो उन्होंने क्या समझा? कोई स्थूल जन्म दादी ने ले लिया। तो पूछा कि हमको ये तो बताओ कि आपको बाबा ने कहाँ भेजा है, कौन भाई है और कौन बहन है बाबा, ये तो बताओ ना। तो दादी ने भी कहा कि बाबा बता दो ना। तो बाबा ने क्या किया, जैसे आप सब लोग बैठे हो ऐसे सभी बैठे हुए थे, और देखते देखते सब बदल गए, उनका फेस भी बदल गया, ड्रेस भी बदल गई। तो ऐसे जब तक मैं देखूं, पहचानने की कोशिश करूं, बाबा ने हरेक को चेंज कर दिया। एकदम, मतलब पहचान में नहीं। शरीर छोड़ने से पहले रूप कुछ और था, समा कुछ और था, और शरीर छोड़ने के बाद जिस ग्रुप में जाकर के उनको सेवा करनी है, वहां प्रवेश करके जब पार्ट बजाते तो रूप बदल जाता, फेस बदल गया, ड्रेस बदल गई। जब तक मैं पहचानने की कोशिश करूं, बाबा ने हरेक को चेंज कर दिया एकदम। कोई बड़े, कोई छोटे, कोई बीच के, सबके चेहरे एकदम से चमक रहे थे। जब तक मैं पहचानने की कोशिश करूं, तब तक बाबा ने वो सींग गुम कर दी। मैंने कहा बाबा आपने तो बहुत जल्दी सबको बदल दिया। बाबा मैं संतुष्ट नहीं हुई। तो बाबा ने कहा ऐसे संतुष्ट तो होंगे ही नहीं। अभी बाबा नहीं चाहता है कि ये पर्दा खुले। ये पर्दा अपने समय पर खुलेगा। जब खुलेगा तो आप सब एक दूसरे को पहचान भी सकेंगे, जान भी सकेंगे, और वो जो कर्तव्य करेंगे उस कर्तव्य को भी आप देख सकेंगे। कौन कर्तव्य करेंगे? जिनमें प्रवेश करना है वो जो कर्तव्य करेंगे उस कर्तव्य को आप देख भी सकेंगे। जब पर्दा खुलेगा और विनाश का कार्य, परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि धीरज धरो और पुरुषार्थ की रफ्तार को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी पर्दा खुलने वाला है। ऐसे कहते बाबा ने सभी दादियों ने, सभी बड़े भाई बहनों ने, सबने आप सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया, थैंक्स दिया कि आपने इतना अच्छा यज्ञ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। ऐसे याद प्यार लेते मैं वापस आकर वतन में आ गई हूँ। चौदह तारीख